हर वर्ष की तरह धूमधाम से तो नहीं, लेकिन जयकरण दास जी महाराज की पूजा अर्चना कर इस बार कुछ खास लोगों ने ही गुरु पूर्णिमा देपालपुर में मनाई। देपालपुर में गुरु पूर्णिमा पर खास महत्व है, क्योंकि ब्रह्मलीन संत श्री जयकरण दास जी महाराज ने सन 1968 में 101 कुंडी यज्ञ करवाया था और यह प्रण लिया था कि देपालपुर पांचवें धाम से जाना जाएगा। ब्रह्मलीन संत जयकरण दास जी महाराज की इच्छा थी कि देपालपुर में श्री 24 अवतार मंदिर बने और वह विश्व का पांचवा धाम बने। गुरुदेव का सपना साकार हुआ और देपालपुर में 24 अवतार मंदिर बना, जो वर्ल्ड बुक में भी दर्ज हुआ। पूर्णिमा महोत्सव मध्य प्रदेश ही नहीं देश में बहुत प्रसिद्ध है और इस बार कोरोना महामारी के कारण मंदिर में किसी प्रकार का कोई आयोजन नहीं किया गया है, इसलिए श्रद्धालु जो आ रहे हैं वो बाहर से ही मंदिर में दर्शन करके जा रहे हैं। ये आस्था है, मंदिर में आयोजन हो या ना हो, मंदिर के पट खुले रहें या बंद रहें, लेकिन लोगों की अपनी आस्था है और उस आस्था को कोई रोक नहीं सकता, इसलिए श्रद्धालु अपने श्रद्धानुसार प्रतिवर्ष आते हैं। इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए, लेकिन आपने देखा होगा सभी लोगों के मुँह पर मास्क बंधा हुआ है, हाथ सैनिटाइजर हो रहे हैं, सामाजिक दूरी का पालन हो रहा है, तो मंदिर के अंदर पूरे आचरण मर्यादा का पालन श्रद्धालु कर रहे हैं। इस बार देखा जाए तो गोल घेरे में से भी श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। हाँ, गोल घेरे से भी कर रहे हैं श्रद्धालु दर्शन। अब चूंकि इस बार मलाल ये है कि आयोजन होता है लेकिन ना तो यहाँ प्रसादी का वितरण हो रहा है, ना भजन कीर्तन हो रहा है, ना भंडारा हो रहा है। गुरु पूर्णिमा भक्तों के लिए, शिष्यों के लिए परम सबसे बड़ा जो है उत्सव है, गुरु पूर्णिमा महोत्सव है। इस दुनिया में सर्वेश्वर जो है सिर्फ गुरु ही है, गुरु के बिना कुछ नहीं होता। हर मामले में देख लो, कई सा जो भी काम आप सीखना चाहते हो तो गुरु तो बनाना पड़ता है। गुरु वो है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वो गुरु। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, यानी गुरु का जो है वो साक्षात परब्रह्म स्वरूप में ही उसको माना गया है। देपालपुर से दीपक सेन की रिपोर्ट।